निवेदिता। मोदी सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा किया, फिर 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश में बंट गए और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इन सब के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर को नया राजनीतिक नक्शा भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक लद्दाख में 2 जिले जबकि जम्मू कश्मीर में 22 जिले होंगे। यही नहीं, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर और मुजफ्फराबाद जिले को भी जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। अब जब भारत ने कश्मीर का नया नक्शा जारी किया है तो पाकिस्तान में बौखलाहट तो मचनी ही थी और हुआ भी वही। इधर नया नक्शा जारी हुआ और उधर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का नया नक्शा मानने से ही इनकार कर दिया। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा, भारत के गृह मंत्रालय ने कल जम्मू कश्मीर का नया नक्शा जारी किया है, जिसमें आजाद कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर के आधिकारिक क्षेत्र में दिखाया गया है, जो पूरी तरह गलत है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। मोहम्मद फैसल ने दोहराया कि भारत द्वारा उठाया गया कोई भी कदम संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त जम्मू और कश्मीर की विवादित स्थिति को बदल नहीं सकता है। पाकिस्तान जिस तरह से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद दुनिया भर में जाकर भारत के खिलाफ झूठ फैला रहा था, उससे ये तो पहले से ही तय था कि नए नक्शे पर भी पाकिस्तान नकारात्मक प्रतिक्रिया ही देगा। लेकिन पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है। यही नहीं, अभी तो सिर्फ नक्शे में ही मुजफ्फराबाद और मीरपुर को ही जम्मू कश्मीर क्षेत्र दिखाया गया है। आने वाले समय में भारत पीओके भी हासिल करके रहेगा, क्योंकि भारत सरकार ने अपने इरादे पहले ही जता दिए हैं कि पाकिस्तान से अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जिले। जम्मू कश्मीर के नए नक्शे के मुताबिक लद्दाख का क्षेत्रफल बड़ा है, लेकिन उसके पास केवल 2 जिले लेह और कारगिल होंगे। लद्दाख का लेह जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला होगा। इसके अलावा कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बारामूला, पुंछ, बडगाम, शोपियां, कुलगाम, किश्तवाड़, उधमपुर, डोडा, सांबा, जम्मू, कठुआ, रामबन, राजौरी, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, रियासी और गांदरबल जिले जम्मू कश्मीर का हिस्सा होंगे। नए नक्शे में पीओके के मुजफ्फराबाद और मीरपुर को भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया है। भारत हमेशा से इन दोनों जिलों को अपना हिस्सा बताता रहा है। मित्रों, सरदार पटेल ने आजादी के बाद 550 देसी रियासतों को एक करकर देश को अखंड बनाया, परंतु एक कसक छूट गई, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का भारत के अंदर विलीनीकरण तो हुआ, भारतीय संघ के साथ विलीनीकरण तो हुआ, मगर धारा 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर जैसे एक हमारे लिए समस्या बनकर रह गया। पूरे 70 साल हो गए, किसी ने धारा 370 और 35A को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। 2019 में देश की जनता ने फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी और पूर्ण बहुमत के साथ सौंपी, और 5 अगस्त वो दिन है जिस दिन देश की पार्लियामेंट ने धारा 370 और 35A को हटाकर सरदार साहब का अधूरा स्वप्न पूरा करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब का जो अधूरा स्वप्न रह गया था, वो अधूरे स्वप्न को पूरा करने का काम किया है। धारा 370 और 35A को रिपील कर उसको निकालकर कश्मीर को भारत के साथ हमेशा के लिए जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि विश्व में जहां भी भारतीय है, वे
भारत से संपर्क में रहते हैं, भारत में क्या हो रहा है इसकी खबर रखते हैं, और कुछ लोग तो खबर ले भी लेते हैं। और भारत की प्रगति से, खासकर पिछले 5 साल की उपलब्धियों से विश्व भर में रहने वाले मेरे देशवासियों का माथा ऊंचा जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। उसका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है, और यही तो देश की ताकत होती है। साथियों, अपने विदेशी मित्रों से कह सकते हैं, देखो मैं भारतीय मूल का हूं, और मेरा भारत कैसी तेजी से कितना आगे बढ़ रहा है। और जब कोई भी भारतीय दुनिया में जब कहता है, तो आज दुनिया उसको बहुत गौर से सुनती है। आपने थाईलैंड में भी अनुभव किया होगा, क्योंकि 130 करोड़ भारतीय आज न्यू इंडिया के निर्माण में लगे हुए हैं। आप में से अनेक साथी जो 5-7 साल पहले भारत गए हों, उनको अब वहां जाने पर सार्थक परिवर्तन स्पष्ट अनुभव होता होगा। आज जो परिवर्तन भारत में आ रहा है, उसी का परिणाम है कि देश के लोगों ने फिर एक बार देशवासियों ने फिर एक बार मुझे, अपने इस सेवक को, बीते लोकसभा चुनाव में पहले से भी अधिक आशीर्वाद दिया है। साथियों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम पूरे संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और दुनिया ये भी जानती भी है। लेकिन लोकतंत्र का महाकुंभ यानि चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव कैसे होता है, ये सही मायने में वही समझ सकता है जिसने इसे खुद अपनी आंखों से देखा हो। आप संभवतः जानते होंगे कि इस साल के आम चुनावों में इतिहास में सबसे ज्यादा 60 करोड़ मतदाताओं ने मत डाले हैं, वोट डाले हैं। ये विश्व की लोकतंत्र के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, और हर भारतीय को इस बात का गर्व होना चाहिए।
लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार